हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर फूड वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ ढोकला की रेसिपी। ना सोडा ना दही, बहुत आसानी से 5 मिनट में आप ये ढोकला मिक्सी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, साथ में कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, राई, सरसों के दाने, साथ में नींबू का रस, चीनी, सफ़ेद तिल, कलर मैंने फूड कलर येलो लिया है, बेकिंग पाउडर, नमक लिया है, साथ में पिसी हुई चीनी और ईनो। जब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। लगभग 1.5 चम्मच हम पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि ढोकला खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, तो मैंने नमक भी इसके अंदर डाल दिया है। सभी चीज़ें हम इसके अंदर ही मिक्स कर लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। फूड कलर मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं पिंच को बिल्कुल ही इसके अंदर डाल रही हूँ फूड कलर येलो कलर, ताकि हमारा ढोकला बहुत अच्छा दिखे। साथ में 1 कप बेसन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर लगभग 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड है तो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं उसी कप के मीज़र से डाल रही हूँ पानी इसके अंदर। लगभग 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया और मिक्सर जार को कर दिया बंद। तो अब मिक्सी चलाने के बाद तो देखिए बैटर कितना अच्छा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बर्तन पर साइड पर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना फ्लफी हमारा अच्छा बैटर ये बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बना सकते हैं मिक्सर जार में। और देखिए, चेक करना हो तो आप ऐसे चम्मच पर देखिए ऐसे डालिए बैटर को। अगर आप जब इस पे लाइन बना रहे हो और वो बैटर बिल्कुल भी जुड़ ना रहा हो, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये बैटर बन गया है। तो अब हम लेंगे पैन। पैन में हमने सबसे पहले डाल दिया है पानी। अगर आपके पास कोई कढ़ाई है, कोई बड़ा बर्तन है, पतीला है, उसमें रखना चाहते हो उसमें भी रख सकते हैं। नीचे रख दूंगी मैं स्टैंड। अब स्टैंड के ऊपर ही मैं रखूंगी एक बर्तन। ढोकले को मैं जिसमें बनाऊंगी उसको पहले मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगी, ताकि जब मैं इसे निकाले बिल्कुल वो चिपके ना, बहुत ईजिली बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से अच्छे से इसे ग्रीस कर रही हूँ। चारों तरीके से आप अच्छे से इसे ग्रीस कर लीजिए। तो बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इसके अंदर हम बैटर को डाल देंगे। तो बैटर हमारा अच्छे से तैयार है। अब ऊपर से हम डाल देंगे ईनो। ईनो को बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। देखिए ईनो के बाद हमारा बैटर कितना फ्लफी बन गया है और कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इस बैटर को हम अच्छे से इसके अंदर डालकर सेट कर देंगे। थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि बबल जितने वो बैठ जाएं इसके अंदर। अब जो हमने पानी रखा था गर्म होने के लिए उसको हम चेक कर लेंगे और इसके अंदर हम ये केक वाला टिन इसके अंदर डाल देंगे। ढोकले को अब इसके अंदर रख दिया। अब 15 मिनट्स के लिए हम इसे ढक कर रखेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे। अब 15 मिनट के बाद हम इसे टूथपिक डालकर चेक करेंगे कि अच्छे से पक गया है। अगर हमारी टूथपिक अच्छे से बाहर आ रही है, समझ लीजिए ढोकला अच्छे से पक गया है। अब इसे चारों कोनों से अच्छे से छुड़ा लीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। बहुत आसान तरीका है ये, बहुत फ्लफी भी बनेगा और बहुत ही जूसी, बहुत अच्छा जालीदार हमारा ये ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको अब निकाल कर दिखा रही हूँ ढोकले को। तो ये देखिए ढोकला हमारा कितना अच्छा निकल चुका है। अब इसके हम पीसेस निकाल लेंगे। आप इसे छोटे बड़े जिस पीसेस में काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। ढोकला सबको घर पर बहुत पसंद होता है। अगर घर पर बन जाए तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि इजीली आप इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो आप भी ढोकले को घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इसके ऊपर तड़का भी लगा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, इसमें हम तड़का लगाना शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मेरे ये पीसेस कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही जाली अच्छे से बनकर तैयार हुई है और बहुत ही फ्लफी ये ढोकला हमारा बना है। तो अब तड़के के लिए मैंने पैन लिया है, उसके अंदर डाल दिया तेल। तेल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी।
तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने राई यानी कि सरसों के दाने डाल दिए। इससे क्या है, स्वाद बढ़ जाता है। अब मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल भी थोड़े से डाल दूंगी और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी कड़ी पत्ता। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जब चटक जाएंगी तो उसके ऊपर से हम डाल देंगे पानी। खट्टा करने के लिए मैं यहाँ पर नींबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि ढोकला खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। और मीठे के लिए मैं यहाँ पर अब 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद अब एक उबाल आने देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें डाली हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। एक उबाल आने के बाद तड़का हमारा तैयार है, तो इसे हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका लेके आई ढोकला बनाने का। आप इसे खाइए, इंजॉय कीजिए, स्टोर कीजिए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। ये सबको घर पर बहुत अच्छा लगने वाला है। खट्टा मीठा ढोकला आप स्नैक के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अलग तरीके से मैं लेके आई हूँ ढोकला, मिक्सी में बनाने के लिए विधि लेकर आई हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को खाइए, इंजॉय कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। और ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज मेरे चैनल पर आती रहेंगी, आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक आप इस ढोकले के शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।